चलिए भाई, मथुरा बाजार में आखिर हम पहुंच ही गए। तो अभी हम आ गए हैं श्री गौरी शंकर मंदिर पे और मथुरा बाजार में पहुंच चुके हैं मिसल मार्केट से घूमते हुए। तो अभी हमारी भाई से मुलाकात हुई है और यहाँ पे रहते हैं। तो अभी सर अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम है दिनेश कुमार यादव। अच्छा सर, आप यहीं पे रहते हैं? जी यहाँ मैं सन 2013 से रह रहा हूँ। अच्छा सर, तो सर दर्शकों को कुछ मंदिर के बारे में बताइए। दर्शकों थोड़ा सा बता दीजिएगा, यहाँ पे लोग आते हैं ना? मेला भी लगता है, मेला भी पहली तारीख को लगने वाला है, शिवरात्रि का। पहली तारीख को मेला लगता है? शिवरात्रि को। अच्छा, शिवरात्रि को मतलब यहाँ पे मेला लगता है। मेला भी लगता है, फिर जो जिसको दान करना है वो दान भी करते हैं, जैसे हलवा पूड़ी हुआ या और कोई भी वो लगाते हैं। ठीक ठीक, तो आए भाई घूम गए, दर्शन हो गया भगवान तो नहीं तो अभी सदन मंदिर बंद हुआ है, 3 बजे शायद बात खुलेगा। देखो भाई मंदिर बंद है इस समय, नहीं तो अभी नहीं, हमेशा खुला रहता था। एक बार इसमें एक आदमी ने सिक्के चोरी कर लिया था, तब से अभी जल्दी में बंद होने। सोने का सिक्का है? नहीं, चांदी का सिक्का, तो उसको चोरी कर लिया हुआ, तब से लापरवाही लगा। सही है, नहीं ऐसा नियम होना चाहिए। बहुत से लोग मतलब 11 बजे से 4 बजे तक के गर्मी में, 11 बजे से ना 12 बजे से, यानी गर्मी में 4 बजे तक के, ठंडी में 3 बजे तक के। अच्छा ऐसा लाग होता। चलो ठीक है, नहीं बहुत अच्छा है, ठीक है, टाइम से खुलना चाहिए, टाइम से बंद होना चाहिए, यही सही है। देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और इस पे देखो भाई टाइल बहुत सी अच्छे से लगा हुआ है, जगह छोटा हुआ है। और यहाँ पे मतलब शिवरात्रि के दिन मेला लगता है तो काफी भीड़ होती है यहाँ पे। मेला लगता है, जेठ दशहरे में लगता है, कुमार दशहरे में लगता है, कजरी तीज लगता है, अन्य प्रकार का मेला हमेशा है। अच्छा, बहुत कई सोमवार को भी लगभग भीड़ भी रहता है। अच्छा, सोमवार को भी खूब भीड़ रहता है हमेशा। अच्छा अच्छा, तो फील्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटा हुआ है और ये पूरा मंदिर भरा रहता होगा ना? पूरा भरा रहता है। अभी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस तरह ये बरामदा है इसी का मैं अभी, यानी इसका चंदा में ही असूलता है। अच्छा, नहीं तो ठीक है, आपसे भाई मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा हमको। और ये देख लीजिएगा मंदिर, यही नहीं हमको इधर कानो जो आते हैं, फिर एक एक कोस दो दो कोस से कोई भी आता है, मैं कहीं भी चला जाऊँ, यही मेरा घर रहता है। सब लोग कहते हैं अच्छा मंदिर पर रहता है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं ठीक है भैया, धर्म का सेवा कर रहे हो बहुत। जो कोई आता है जैसे रहने के लिए जगह नहीं, बाय चांस थक गया, अब तो ये चल गया आधार कार्ड बहुत से, इसलिए हम लोग का वो सहयोग अच्छी तरह नहीं मिल पाता है। अच्छा, हाँ अभी भी कोई जैसे मुसीबत में, मंदिर होता है इसीलिए मंदिर धर्मशाला, किसी जैसे मुसीबत में उनकी सहायता करने के लिए, तो फिर हम लोग ने उनको भोजन पानी करा के रहने के लिए व्यवस्था दे दिया जाता है। तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। ये देखिए ये बैठे हुए इस तरह के, यहाँ पे रोज में कम से कम 10 लोग आते हैं जिस तरह ये बैठे हुए। इधर देख लीजिएगा भाई, इसी तरह 10 लोग यहाँ आते हैं, यहाँ प्रसाद भी मिलता है, हम लोग आते हैं चाय भी देते हैं। और मैं तो यहाँ कम से कम 7 साल भोजन किया हूँ यहाँ, कोई भी आता था मैं दोनों मिलकर साथ में हमेशा खाया हूँ 7 साल। अभी तो 2.5 साल हो गया मैं यहाँ से गौशाले में चला गया हूँ। अच्छा अच्छा, गौशाले में सोकर ड्यूटी कर रहा हूँ, फिर भी यहाँ का भी देखभाल करता हूँ। मगर गौशाले में देखो भाई ड्यूटी भी कर रहे हैं और यहाँ का भी देखिए भगवान का सेवा भी कर रहे हैं। यहाँ हमने देखा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक के हमने हर चीज़ को एक एक नाप लिया है, एक एक का हमने गिनती किया है, अंदाजा किया है, महसूस किया है, आनंद भी लिया है, मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। हमको जब से यहाँ सन 2013 में मैंने ज्वाइन किया तब से मैंने चप्पल भी नहीं पहना हुआ। अच्छा, नहीं पहना हुआ। ऐसे मार्केट में चले जाते कभी? कहीं भी मैं ऐसे चला जाता। ऐसे चले जाते जी? नहीं तो भाई तो आप जैसा होना चाहिए। लेकिन हमने इनसे भगवान से बस कुछ नहीं मांगा, इनसे यही कह रहा हूँ कि अपन हाथ हमारे सर पे रख दीजिए। तो आप भगवान का हाथ सर पे है बस, हमने कब नहीं कुछ नहीं मांगा, हमारे पास कोई कमी नहीं है, अच्छे खासे भाई भी, हट्टे खट्टे संपत्ति भी है, घर भी बना हुआ है, नौकरी भी अच्छी है बस। लेकिन हमने इनसे कभी नहीं कहा कि हमको इस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो मांगता है उसका बस। मैं जैसे आप संतुष्टि रखते हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं, मैंने इस चीज़ समझा, भगवान की मन से आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान तो आपके साथ ही है। मैं ये जानता हूँ सिर्फ कि कर्म करिए फल आप ही आप मिलेगा, मैंने अच्छा ही कर्म किया हमारे साथ। आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, आपसे मुलाकात हुई, कम से कम ये बात करके ही ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। पूरी मार्केट यानी एक कोस में पूरी मार्केट है, यानी चारों तरफ मिला के, यानी घूमने के लिए हम अभी जाएंगे चंदा सुनने मार्केट में, हमको 3 घंटा लगेगा। इधर से ना इधर अंत करूंगा, इधर से उधर अंत करूंगा, 3 बारी जाऊंगा, 3 घंटा लगेगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं सन 2013 से यहाँ, यानी सब लोग का भी अच्छा विचार देख के हमारा हम लोग को रखे हैं, सबकी भी कोई 2-3 लोग का बदली भी हो गया, यानी वो सही नहीं है ये नहीं, लेकिन हम चाहते हैं हमारी भी बदली नहीं हो। नहीं तो भगवान का हाथ है ना आपके ऊपर, बस ये अच्छा, गौरी शंकर का मंदिर है। हाँ जी, गौरी शंकर अभी तो कुछ नहीं है, अच्छा खुलता बहुत अच्छा है अंदर, अंदर इसमें
अब अंदर ये लाख पर देखो, पहला लाख, दूसरा ये लाख, तीसरा लाख। खोलने के बाद इसमें घूमने के लिए, परिक्रमा करने के लिए और भी एक गली है। अच्छा, गली के बाद में फिर एक इस तरह का बना हुआ है, उसके बाद एक दरवाजा और है, तब शिवलिंग रखी है। शिवलिंग रखी है जी, शिवलिंग है बाकी, और माता जी का मूर्ति, हनुमान जी का है, गणेश जी का, उनकी टंकी लगी है, शिवलिंग बना हुआ है। पहले तो ये तो ये कहीं है ना, पहले बहुत अच्छा आ जाते थे, बहुत ज़्यादा। मैं इनके मुँह में भी खिला देता हूँ। अच्छा, सबको पकड़ के नहीं, बहुत हिला है आपको ना, ये कहीं नहीं है, बहुत सारे हैं, जितना आएंगे जितना। अच्छा अच्छा, तो चिड़िया जी है जैसे। अच्छा, ये तो बंदर के जैसे नहीं आते हैं। नहीं, बंदर तो बहुत आ गए हैं। चिड़िया तो नहीं खाने देते हैं ना। हाँ हाँ, चिड़िया को नहीं खाने देंगे ये बंदर। इनके घर से नहीं आएंगे ना तो देखेंगे। हाँ भाई, चिड़िया तो बहुत आ गई, देखो। चलो भाई, टाइम भी हो गया, मंदिर भी खुल रहा है, और आपको दिखा देते हैं मंदिर का सीन भी। जैसे कोई बाहर में परिक्रमा कर सकता है। अच्छा, अंदर से भी यहाँ पे परिक्रमा कर सकता है। ये वो अंदर पानी का बाहर निकलने का वापसी का ये है। उधर से लाइन लगा के जल चढ़ाए, इधर से पूजा अर्चना करने के बाद इधर से बाहर निकल सकते हैं, फिर यहाँ अगरबत्ती का फूल जलाए। तो ये द्वार बंद हुआ है, ये ऊपर जाने का। अच्छा अच्छा, ऊपर जाने का रास्ता। ये कभी कभार जैसे कोई इमरजेंसी है तभी खुलता, हमेशा नहीं खुला रहता, क्योंकि फिर भी आपको अगर देखना है तो बताएंगे हम, उसी बात में अभी समय है तो अभी दिखा सकता हूँ, उसी बात में। फिर ये अंदर, ये उधर से नीर निकलने का रास्ता है। फिर हम अंदर से करके फिर यहाँ पहुँच गए, बाहर से करें अंदर से करें। अच्छा, जय जय बाबा जी। माता पार्वती जी। अच्छा, सारे मूर्तियाँ साइड साइड में लगे हुए हैं, गणेश भगवान के और माता जी के, देवता लोग का तस्वीर। हाँ, पूरा तस्वीर बना हुआ है, देखो। और देखने में देखो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। इसी में लगा हुआ था, उसने चोरी किया था सिक्का। अच्छा अच्छा, सिक्का यहाँ पे लगा था इसने, यहाँ का सिक्का शायद यहाँ यहाँ लिया, लगा था कील टूटी हुई है। अच्छा, कील द्वारा यहाँ पे सिक्का लगे थे। ये है ना सिक्का। हाँ, तो उसने चोरी किया, तोड़ दिया था, तीन सिक्के तोड़ दिया। नहीं नहीं, बदमाश होते हैं ना कुछ लोग, तभी से बंद होने लगे ना हमेशा, कभी भी आप नहीं नहीं, टाइम से खोलो, टाइम से बंद करो, वही अच्छा है। हाँ, नहीं तो भाई भगवान के मंदिर पर चोरी करना थोड़ी चाहिए ना, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं ना। वैसे एक बात कहे भाई, मुझे पता था कि जहाँ तक ये डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में लगता है, पर भाई ये डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में लगता है। चलिए फिर इधर भी घूम लिया, इधर साइड बचा था, तो फिर मैंने आज सोचा था कि चलिए फिर मथुरा आपको घुमा लेते हैं। तो भाई मैंने घुमा दिया, सारे सीन दिखा दिया यहाँ के अच्छे अच्छे, और मेला भी इस मंदिर में लगता है। कभी देखो फिर टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे, आपको फिर से सीन दिखा देंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही सीन था, इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना भाई, कि सभी लोग को ये सीन देखने को मिल जाए, मंदिर देखने को मिल जाए। और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।